सभी किसान साथियों को सत श्री अकाल। साथियों, मेरे हरियाणा के किसान साथियों, काफी दिनों से पूरे हरियाणा के किसान साथी के फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि हम ये हरियाणा में भी आंदोलन स्टार्ट होना चाहिए। आज भारतीय किसान चुनी ने एक अहम मीटिंग बुलाकर एक कड़ा फैसला लिया है कि पूरे हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के टोल हैं उसको फ्री किया जाएगा 3 घंटे के लिए, और उसके अगले दिन जो जिला वाइज पर पूरे हरियाणा के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, पूरे गांव-गांव तक, पूरे शहर तक इस आंदोलन को खड़ा करने पर जो भारतीय किसान चुनौती की टीम लग चुकी है, जो पंजाब के हमारे किसान भाई है उनको गोलियां चलाकर इस सरकार बीजेपी सरकार ने इतना अत्याचार कर रही है। हमारी मांग सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून की है, जो पंजाब के किसानों को छलनी कर दिया, गोलियां चला चला कर आंसू गैस के गोले बुछारे, जो पानी की बुछारे। तो हम हरियाणा के किसान है, वो पंजाब के दर्द, किसानों का जो दर्द है वो हमारे पर नहीं देखा जा रहा। पूरे हरियाणा के अंदर अब आंदोलन खड़ा हो चुका है। मेरी सभी किसान साथी से अपील है, पूरे दल बल के साथ जहां जहां आपके टोल लगते हैं वहां पर पहुंचे। अब हरियाणा की बारी है, अब हरियाणा को जागना होगा, क्योंकि जो एमएसपी का मुद्दा है वो पूरे राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, पूरे हरियाणा का मुद्दा है। मेरी सभी किसान साथियों से, खासकर युवा साथियों से अपील है, हाथ जोड़कर, क्योंकि युवा साथियों का खून, जो खून था वो पानी बनता जा रहा था, क्योंकि जो अत्याचारी सरकार बीजेपी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पंजाब के किसानों पर इतना अत्याचार कर रही है, देखा तो हमारे पास भी जा रहा है। तभी गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने फैसला लेकर सरकार की गाड़ी की फांस बनने वाली है। मेरे यमुनानगर के किसान साथी कि भाई सभी तैयार हो जाए, जो गदौला टोल प्लाजा है वहां पर हमने हर हालत में पहुंचना, क्योंकि 12 बजे से लेकर 3 बजे हम टोल प्लाजा को फ्री करेंगे। उसके बाद 17 तारीख को पूरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है, जो ब्लॉक वाइज है, वहां पर एक ट्रैक्टर मात्र यात्रा निकाल कर पूरे गांव में और पूरे यमुनानगर शहर में एक यात्रा निकालेंगे, पूरे इस आंदोलन को और तेज करेंगे। साथियों, आपने घर बैठना, बहुत फोन आए हैं, फोन बहुत मैसेज आ रहे हैं, पर आप ना घर बैठना, बच्चा भी सड़कों पर होना चाहिए, हमारी माते बहने भी सड़कों पर होनी चाहिए। तो आप लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर पूरा तन मन के साथ आंदोलन लड़ दे। सरकार फुटपैथ पे आ चुकी है, सरकार डरी हुई है, सरकार के पूरे पसीने छूट रहे हैं, तो आप थोड़ा हाथ धक्का लगाने की लोड है, डरने की लोड नहीं है। साथियों, आप लोगों के साथ पूरे तन मन से साथ खड़े होंगे, डरने की लोड नहीं है किसी भी प्रशासन से ना सरकार से। अगर जितना मर्जी प्रशासन जुलम करे हम सहेंगे, पर मैं एक अपने प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हमारे किसान साथी को गिरफ्तार किया तो उसका नतीजा यमुनानगर का प्रशासन होगा, हरियाणा का प्रशासन जिम्मेवार होगा, क्यों हमें ना फिर बाद में उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए। तो हमारी पूरी चेतावनी है प्रशासन को कि किसी भी सरकार का जो हमारे किसान साथी है उस पर अत्याचार ना करे। तो सभी साथी तैयार हो जाए, पूरे कल 11 बजे जो हमारा यमुनानगर गदौला टोल प्लाजा है वहां पर जरूर पहुंचे। धन्यवाद।